हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस क्लास में हम VMware हाइपरवाइजर ESXi कैसे इंस्टॉल करना है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये लेसन टू हमारा है, VMware का लेसन टू है। इसके पहले लेसन वन में हमने बताया था आपको वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कौन कौन सी कंपनीज होती है, वर्चुअलाइजेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक पे हम लोग बात किए थे। और ये लेसन टू है जिसमें हम हाइपरवाइजर कैसे इंस्टॉल करना है, एक वर्चुअल मशीन, एक वर्क स्टेशन पे हम इसको वर्चुअल मशीन बनाकर इंस्टॉलेशन आपको दिखाएंगे। ये एक बेयर मेटल होता है जिसको हम डायरेक्ट अपने हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक हार्डवेयर पीसी है तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं एक हार्डवेयर पे। यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपके हार्डवेयर मशीन की है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके कई सारे वर्जन्स हैं, इसको हम ESXi के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम है। तो ESXi हम स्पेशली जो लैब कराने जा रहे हैं आपको 5.5, 6.5 एंड 7.0, ये तीनों पे कराने वाले हैं। कराने का मकसद क्या होने वाला है, क्योंकि अगर हम 5.5 की बात करें तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर आगे बहुत इजी है। और बहुत सारी कंपनी अभी भी 5.5 पे वर्क कर रही हैं, बट अभी ज्यादातर कंपनी माइग्रेट कर चुकी है 6.5 पे, ठीक है। बट हमें आना चाहिए ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करना है, और किसी भी वर्जन पे अगर आप काम कर ले रहे हैं तो आप अपग्रेडेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए जो ये हम पूरा एप्लीकेशन में पूरा ट्यूटोरियल जो हमारा बनेगा लेसन वाइज, ये तीनों पे हम बताएंगे आपको। देखो, सर्विसेज और कॉन्सेप्ट तो डजन मैटर, ये वर्जन मैटर नहीं करता उसके लिए, बट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसमें मैटर करता है। तो इसीलिए हम इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन तीनों को बताएंगे, ठीक है। तो ये इसी में आपको समझ जाना है कि ESXi के वर्जन्स ये हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्जन है, 4.1, 4.5, 5.1, 5.0, 5.5, 6.0, 6.1, फिर 6.5, ओके 7.0 ऐसे। बट ये तीन जो है इंडस्ट्री में चल रहे हैं, इन्हीं तीनों पे काम होता है, ठीक है। तो हम ये तीनों पे प्रैक्टिस करेंगे बाय द वे, ओके। तो लेसन वाइज लेसन ये रहेगा आपके एप्लीकेशन में, और यूट्यूब पे भी हम कोशिश करेंगे इसका प्लेलिस्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं, बेसिकली जो ये होता है ना हाइपरवाइजर, इसकी टू लैब आप हमेशा ध्यान में रखना है, लैब वन और लैब टू। लैब वन की अगर हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम फोकस करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की, और लैब टू में हम बात करेंगे एडवांस लेवल कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो दो लैब हमेशा, वीएमवेयर का मतलब दो लैब, दो टाइप्स का लैब रहता है, ठीक है। लैब वन में हम एक ESXi इंस्टॉल कर रहे होंगे, ESXi होस्ट इसको हम बोलते हैं, कोई भी वर्जन हो हम इंस्टॉल कर रहे होंगे, और रिमोटली हम वीएसपीआर क्लाइंट या वेब क्लाइंट के द्वारा ESXi को हम रिमोटली यहाँ पे ले रहे होंगे, जहाँ से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये लैब वन का सिनेरियो रहेगा। लैब टू के सिनेरियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो, ये सभी इसी लेसन में नहीं करने वाले हैं, आने वाले लेसन की बात कर रहे हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो लैब टू में अगर आपके पास मल्टीपल होस्ट है, EXi 1 है, EXi 2 है, कई सारी EXi अगर है, इन दोनों EXi को अगर आपको मैनेज करना है एक जगह से, तो आप क्या करना है, एक हमारे पास रहेगा vCenter सर्वर। तो हम ये दोनों EXi को vCenter से ऐड करते हैं, और vCenter से हम vSphere क्लाइंट या वेब क्लाइंट को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक है ये क्लाइंट जहां से हम अपने होस्ट को ऐड करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं इनको, चाहे वो दो तरह के हैं, एक है वेब क्लाइंट, एक है वीस्पेयर क्लाइंट। एक होता है वेब क्लाइंट और एक होता है वेब वीस्पेयर वी क्लाइंट। अगर हम वीस्पेयर क्लाइंट की बात करें तो ये अप टू 5.5 एंड 6.0 तक, वीएमवेयर ESXi 6.0 तक वीस्पेयर क्लाइंट काम कर रहा था, लेकिन 6.5 के बाद से अब ये वीस्पेयर क्लाइंट काम नहीं करता है, अब हमें वेब क्लाइंट यूज करना रहता है। अब वेब क्लाउड क्या है, पूरा ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, जहां पे डायरेक्ट आप यू ब्राउजर के द्वारा एक्सेस कर सकेंगे अपने ESXi होस्ट को। बट पहले हम लोग क्या करते थे, एक थर्ड पार्टी टूल्स जिसको हम वीस्पेयर क्लाइंट बोलते थे, वीएमवेयर का ही थर्ड पार्टी टूल हुआ करता था, उसको हम इंस्टॉल करते थे अपने क्लाइंट मशीन में, और वहां से हम कनेक्ट करते थे अपने। और अब यहाँ पे बात करेंगे vSphere vCenter सर्वर से, फायदा क्या है, हम सेम कनेक्ट करेंगे यहाँ से जैसे कनेक्ट कर रहे हैं,
बट इसमें क्या होता है, दोनों में अंतर ये होता है, वीस्पर क्लाइंट या वेब क्लाइंट से डायरेक्ट अगर EXI को कनेक्ट करेंगे तो केवल 25% फीचर्स आपको मिलेगा कॉन्फिगर करने के लिए इसमें, बट अगर vCenter सर्वर के द्वारा EXI को कनेक्ट करेंगे तो आपको 95% कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, मतलब सारी सेटिंग सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर पाएंगे। तो vCenter सर्वर एक बहुत पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होता है हमारे VMware एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना रहेगा। तो ये लैब टू की हम बात है, इसलिए बार बार अगर वीडियो में अगर आप सुन रहे हैं कि आने वाले हमारे सेशन में कि लैब वन है लैब टू है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब लैब वन में बस यही सारी चीजें रहेगी, एक्टिव प्रैक्टिस कैसे ऐड करानी ये सारी चीजें, और लैब टू में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसमें भी सेंटर सर्वर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन DRS हो सकता है, भी मोशन हो सकता है, स्नैपशॉट होता है, स्क्रीनशॉट होता है, क्लोन होता है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं इसमें। मतलब VMware की सारी सेटिंग हम भी सेंटर सर्वर के द्वारा ही करते हैं। अब कनेक्ट करने के लिए भी चाहे डायरेक्ट होस्ट को कनेक्ट करना है चाहे भी सेंटर सर्वर को कनेक्ट करना है, हमें एक मशीन क्लाइंट मशीन की आवश्यकता पड़ेगी जिसपे हम या तो वेब क्लाइंट के द्वारा एक्सेस करेंगे या तो vSphere क्लाइंट के द्वारा। vSphere क्लाइंट थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है, वेब क्लाइंट अभी न्यू टेक्नोलॉजी है जो ब्राउजर से डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं कि EXSI कैसे इंस्टॉल करना है, और इस लैब में हम 5.5 को इंस्टॉलेशन आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने किया है तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ESXi है, इसमें हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये हमारा हार्डवेयर है, इसमें हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और हमारे पास, मैं अपने लैपटॉप से क्या करूँगा, इनको कनेक्ट करूँगा यहाँ से। ये हमारा लैपटॉप है जिसके अंदर हमें क्या इंस्टॉल करना है, वी क्लाइंट, जिसको हम VMware क्लाइंट के नाम से, vSphere क्लाइंट के नाम से जानते हैं। तो वी क्लाइंट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वी क्लाइंट इसके अंदर रहेगा। तो हमें क्या करना रहेगा, पहले इसको इंस्टॉल करना रहेगा और उसके बाद यहाँ से हमें इसकी कनेक्टिविटी करनी रहेगी। जब हम कनेक्ट करेंगे तो पूछेगा इसका IP, तो इसका हम IP हम डेडिकेटेड कर रहे हैं 10.0.0.101 हम दे रहे हैं। ध्यान रहे आपको, यही लैब हमारा पूरा शुरू से लेके लास्ट तक चलेगा। अभी हम लैब वन दिखा रहे हैं, बेसिक चीज़ें दिखा रहे हैं। लैब टू में भी हम सेम यही IP, यही कंप्यूटर नेम, सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। तो लैब वन में हम क्या दिखा रहे हैं, EXSI 55A, और इसका IP ये रहेगा, और इसका IP हम दे दे रहे हैं 10.0.0.5 इसका दे दे रहे हैं, ठीक है। तो सेम रेंज में आ गया, इससे हम कनेक्ट करेंगे। जब IP देंगे तो पूछेगा इसका यूज़र आईडी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इंस्टॉल करेंगे तो इसका यूज़र आईडी होता है रूट, अभी हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको। और पासवर्ड आप जो मर्जी पासवर्ड दे दीजिए, कॉम्प्लेक्सिटी में रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये, ठीक है। तो हम एक बार इंस्टॉल करने बाद एक बार यहाँ कनेक्ट करेंगे, फिर सारा कुछ हमें यहीं से करना रहता है, यहाँ से कुछ नहीं होगा। यहाँ केवल इंस्टॉल करके IP डाल सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ यहाँ से करना रहेगा आपको vSphere क्लाइंट से, ठीक है। अगर इसके अंदर हमें, जैसे मैंने बताया था ना कि इसके अंदर वर्चुअल मशीन बनानी है, उसके अंदर इंस्टॉल करना विंडो, चाहे जो भी सर्विसेज इंस्टॉल करना अलग अलग सर्विसेज हमें, तो सब कुछ सारा टास्क हमें यहीं से करना रहेगा इस वाले vSphere क्लाइंट से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने। तो ये मेरे लैपटॉप में नहीं है, इसके लिए मैं अपने सर्वर को रिमोट लूँगा, और मेरा सर्वर जिस कंप्यूटर में है, मतलब जो कंप्यूटर हमारा सर्वर कंप्यूटर है, उसका IP हमारा है, डायरेक्ट हम नेट से उसको कनेक्ट किए हैं, 192.168.1.41, ये हमारा IP है, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो उसके अंदर हम EXI A और EXI B बाद में हम करेंगे, तो दोनों मशीन हमारा उसी सर्वर में रहेगा। बार बार मैं इस रिमोट में जाकर इससे लूँगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं पहले ही लैब दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। रिमोट कैसे लेते हैं, MSTSC करके हम लेते हैं, अगर आपको डाउट रहेगा तो आप बताना, हम वीडियो बना लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस टास्क को। सबसे पहले हम इसको रिमोट लेकर इसको हम करने जा रहे हैं इंस्टॉल अपने दूसरे वाले सर्वर में, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपना रिमोट लेंगे MSTSC, ये कमांड रहेगा,
और ये रहा, हमने आईपी दे रखा है ऑलरेडी 41, और मैं कनेक्ट हो जाऊंगा उस सर्वर से। इसका पासवर्ड मैं डाल दूंगा यहाँ। ये हमारा मशीन कनेक्ट हो गया, देखिए ये देखिए हमारा वो मशीन कनेक्ट हो गया 41 वाला। इसी में हमें EXI हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हमें आईपी वही डिसाइड करना है 101। देखिए यहाँ पे हमारा VMware वर्क स्टेशन है, हम इसी वर्क स्टेशन में EXI इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। यहाँ पे जाके नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है VMware 5.x, मतलब 5.5। देखिए वही सही है, यहाँ पे 6.0, 7.0 यहाँ देखिए, ठीक है। तो जो भी रहेगा हम 5.5 फिलहाल कर रहे हैं, तो 5.x कर रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे इसका नाम आप दे सकते हैं, मैं सिंपली दे रहा हूँ ESXi 55। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पहला है, बाद में हमें दूसरे की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और नेक्स्ट कर देंगे। ये अपने आप ले लेगा कितना GB, कितना प्रोसेसर, देखिए 2 CPU की ज़रूरत होगी, ये ले लेगा। और यहाँ पे रैम भी ले लेगा, देखिए 4 GB ऑटोमेटिक ले लेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा बढ़ा दो। यहाँ से हम जाके ये हम करेंगे ब्रिज, ब्रिज इसलिए करेंगे क्योंकि दूसरे कंप्यूटर में है ये। और नेक्स्ट 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 करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और हार्ड डिस्क ड्राइव हम दे देते हैं 80 GB, और क्लिक करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ से कस्टम हार्डवेयर में जाकर, और यहाँ से हमें DVD को ऐड करना है, मतलब अपने इमेज को, इमेज जहाँ भी है। तो इमेज हमने कॉपी कर रखा है यहाँ पे, देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और अब हम यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे। देखिए इस यहाँ से हम पावर ऑन कर लेंगे और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। आप इसको चाहो तो फुल स्क्रीन कर लो, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। ये इंस्टॉलेशन कहाँ हो रहा है, उस सर्वर में हो रहा है। तो ये लिनक्स के कर्नल बेस पे बना हुआ है, यूनिक्स के कर्नल बेस पे बना है, यूनिक्स बेस पे ही काम करता है और वैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही रिएक्ट करता है। इंस्टॉलेशन भी लगभग लगभग आपको वैसे ही दिखेगा, इसका यूज़र आईडी पासवर्ड भी आपको लगभग वैसे ही दिखेगा, क्योंकि लिनक्स में भी आप लॉगिन करते हो तो रूट रहता है, इसमें भी वैसे ही रूट है। तो इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, देखिए ये आ जाएगा, ये इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने ऐसे। और अभी ये कंपैटिबिलिटी लिस्ट चेक कर रहा है कि ये इंस्टॉल हो जाएगा इस हार्डवेयर पे कि नहीं हो जाएगा, चेक करने के बाद आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगा। देखिए इस वीडियो में हम ज़्यादा कट पिट नहीं करेंगे, तो नेचुरल एकदम बनाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परेशान नहीं होना है आपको। टाइम स्टैम्प कोशिश करेंगे हम इसमें सेट करने के लिए, अगर हो जाएगा तो। टाइम स्टैम्प पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे कौन सा टॉपिक कहाँ पे है। तो देखिए इसके बाद ये आ जाएगा, और यहाँ पे एंटर टू कंटिन्यू एंटर करना है। और यहाँ पे देखो सब कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है, जस्ट आपको फॉलो करना है। F11 प्रेस करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। इसको और क्या करना, चेक करने का। अब यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी रियल में यहाँ पे चेक करेगा, फिर आपको इंस्टॉल करनी। ये यहाँ पे देखो, ये आपका जो है यहाँ दिखा रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव, दो तरह का हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एक लोकल होता है और एक रिमोट होता है। रिमोट मतलब अगर आपके पास कोई स्टोरेज सर्वर है, नैस है, सैंडबॉक्स है ना, तो वहाँ पे आप उस लोकेशन को देना रहेगा। अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो लोकल हार्ड ड्राइव जो होता है इसी को हम देते हैं, डेटा स्टोर लोकल, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसका जो पार्टीशन होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस पॉइंट को याद रख लीजिए। जो पार्टीशन होता है ये होता है VMFS और NFS। तो जो हमारा अगर ये है, अगर हम बात करते हैं इसकी लोकल डेटा लोकल की, तो इसका रहेगा VMFS, इसका VMFS इसका फाइल सिस्टम रहेगा। और ये अगर है रिमोट है तो इसका NFS रहता है फाइल सिस्टम ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर रिमोट ले आप ले रहे हैं वहाँ पे पार्टीशन वगैरह कुछ करेंगे तो NFS फाइल सिस्टम रहेगा, और लोकली जो हमारे हार्ड डिस्क में है उसमें पार्टीशन करते, ये क्या रहेगा, VMFS रहेगा, राइट। तो
हम लोकल ही कर देते हैं, यहाँ पे एंटर कर देंगे हम। और देखिए ये यहाँ पे यूएस डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट रहेगा, कुछ नहीं करना, एंटर। और ये देखिए रूट पासवर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब रूट यहाँ पे है जैसे लिनक्स में होता है, इसका पासवर्ड आप दे डालिए। कोशिश करिए कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं जो पासवर्ड दे रहा हूँ मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे, admin@123 में दे रहा हूँ। और मैं एंटर कर दिया, ये पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया। और अब यहाँ पे देगा फिर से इंस्टॉल करने के लिए, सब चेक करके ठीक ठाक जा रहा है अभी तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर कुछ रहेगा तो वहीं पे रुक गया होता। अभी यहाँ देखिए F11 प्रेस करिए और ये कंटिन्यू इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम प्रेस करेंगे F11, अब इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। तो इंस्टॉल होता रहेगा, ये हो जाएगा कुछ मिनट, तब तक हम वीडियो को। सो गाइस देखिए इंस्टॉल हो गया और जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये रीबूट हो जाएगा। देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल बोल रहा है, यहाँ पे मैसेज आपको दिखा रहा है यहाँ पे, XI 5.5 हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल, राइट। तो जस्ट आप एंटर प्रेस कर दो, सिस्टम रीबूट हो जाएगा और आपका XI रेडी। और ये जो है इसमें आपको कुछ, अब इस मशीन पे बैठ के आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस IP असाइन कर सकते हैं, DNS डोमेन नेम ये सब कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है। और इसको सब कुछ करने के लिए, इसके अंदर वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको VSphere क्लाइंट पे जाना पड़ेगा। तो अब हम VSphere क्लाइंट को बनाएंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे। यही हमारा Lab 1 का वो रहेगा, ठीक है। और इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर पाएंगे वो हम करने की कोशिश करेंगे। देखो ये इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पे आपको दिखा देता है ऊपर में कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है एक्चुअली। देखिए ये MD मशीन है और 4 GB का रैम आपने ले रखा है, वो सारा दिखाएगा। जो सर्वर हमारा है AMD का 6 Core का प्रोसेसर है, देखिए वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये इनिशलाइज हो रहा है, इट विल टेक कपल ऑफ मिनट। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझना ज़रूरी है। और इसको कॉन्फ़िगर कर लेने दीजिए हमें। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये आ गया है ना, IP आ गया है, वही IP उसी रेंज में ले लिया है, डायनेमिक IP ले लिया है। बट हमें ये IP नहीं चाहिए, हमें अपने रेंज में IP चाहिए, जो हमने बना रखा था सीनरियो 10 सीरीज में, ठीक है। तो उस सीरीज में हमें IP देना है। हमारा Lab 1 का सीनरियो आपको याद होगा तो मैंने क्या बनाया था, उसी बेस पे हमें करना रहेगा। जो कि मैंने बनाया था कि एक हमारा जो EXI होस्ट रहेगा, ये देखिए ये जो EXI हमारा होस्ट है, इसका IP हमारा जो रहेगा 10.0.0.101 रहेगा, ये EXI ये है ना, ESXi 5.5 ये रहेगा ये इसका, और राइट ये IP देना है। और जो क्लाइंट हमारा रहेगा, जो भी इस पर क्लाइंट में करके दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये वाला, इसका IP हम दे देंगे 10.0.0.5 रहेगा, तो इस रेंज में रहेगा, तो ये कम्युनिकेशन करेगा, तभी तो हम इसको ले पाएंगे यहाँ पे रिमोट। और फिर इसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे बैठे बैठे करेंगे VSphere क्लाइंट से। तो अब हमारा टाइम आ गया, पहले इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर लिया जाए, यहाँ पे IP दे दिया जाए EXI होस्ट में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जाकर ये मशीन पे VSphere क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, देन हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। ये टास्क हमारा है Lab 1 का।